आप देखिए दोस्तों, ये चिंपैंजी आनंद ले रहे हैं, इंसानों की तरह ये भी धूप ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी का महीना है और काफी आराम से बैठ के धूप ले रहे हैं। इनको भी तो धूप चाहिए, इनको भी तो ठंड लगती है। आइए आगे से दिखाते हैं। यहाँ से देखिए सामने से दो चिंपैंजी, लगता है सर्कस भी करते हैं क्या, लेकिन बिल्कुल इंसानों की तरह ही हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जो लोग चिंपैंजी नहीं देखे हैं, देख लीजिए, यही चिंपैंजी होता है। हालांकि हम तो बहुत बार देखे हैं बहुत सारे चिड़ियाघर में। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जिराफ के बारे में लिखा गया है, इसमें जिराफ है और इसकी क्या है, इसकी विशेषताएं सारी चीज दिया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं जिराफ। काफी बड़े बड़े होते हैं जिराफ, और हालांकि हम और भी बहुत सारे चिड़ियाघर में देख चुके हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा जिराफ है, देख सकते हैं। और इसमें कई सारे हैं, एक इधर है और इसके पीछे भी एक दो हैं। गजब का लग रहा है दोस्तों, मजा आ गया। यहाँ इसके बारे में भी दिया गया है, जिराफ के बारे में आप इसे पढ़ सकते हैं। ये वाला अलग कलर का जिराफ है और ये एकदम अलग कलर का है। यहाँ पर गेंडा के बारे में कुछ दिया गया है, देख सकते हैं आप। आगे गेंडा है, तो आइए आपको गेंडा दिखाते हैं। बहुत जानवर है दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आपको एक एक जानवर दिखाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यह है गेंडा, तो दिख भी रहा है, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा है। दो ही गेंडा है ना। उसी का है बच्चा छोटा वाला। आइए आगे चलते हैं, आगे और भी सारे जानवर दिखाते हैं। यहाँ पर काला हिरन के बारे में दिया गया है, इसमें देख सकते हैं ये ब्लैक बग है, जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस चिड़ियाघर में आप जब आएंगे देखने के लिए, तो आपको काले हिरन भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत कम काले हिरन देश में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे काले हिरन हैं और यहाँ उसके बारे में भी दिया गया है। यहाँ पर सब चीतल है इसमें, और चीतल के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हालांकि इसमें तो चीतल बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके थोड़ा पीछे हैं बहुत सारे चीतल हैं। जूमिंग करके देख सकते हैं आप, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे चीतल हैं। और यहाँ पर चीतल के बारे में भी दिया गया है, इसका जो जीवन काल होता है वो 14 वर्ष का होता है, और ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, बहुत तरह तरह के इसमें मोर है, व्हाइट कलर का भी मोर है, हालांकि मैं पहली बार देख रहा हूँ सिल्वर कलर का मोर।
चिड़िया घर तो दोस्तों बहुत बड़ा है, इसे घूमने के लिए घंटे तीन घंटे टाइम रहेगा, तभी आप इस चिड़िया घर को पूरी तरह से घूम पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बारहसिंघा के बारे में लिखा गया है, और इसी के अंदर बारहसिंघा है, हिरन है, बहुत सारे बारहसिंघा है, और इसके एक साइड में जिराफ है। तो आइए आपको जिराफ दिखाते हैं। जिराफ नहीं, सॉरी, जबरा है, इसे जबरा बोलते हैं, जिराफ ये जबरा है। जबरा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और देख सकते हैं यह है जिराफ। दो जिराफ तो हमको दिख रहा है, इसमें जानवर तो बहुत तरह तरह के हैं। कोई भी जंगल में रहने वाला ऐसा जानवर ना हो जो कि इसमें आपको चिड़ियाघर में देखने को ना मिलता हो, सभी जानवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं आगे और कितने सारे जानवर हैं। ये रास्ता दोस्तों सांप घर की तरफ जाता है, यहाँ पर तरह तरह के सांप भी हैं। तो यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है, विषैले सांप, विषहीन सांप, हल्के विषैले सांप। तो आइए, खुला है तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सांप हैं, हम भी नहीं देखे हैं तो हम भी देख लेंगे कि कितना जहरीला जहरीला सांप इसमें है। ये बनाया गया है, इसी के अंदर है जहरीला जहरीला सांप। चलिए आपको दिखाते हैं। चिड़ियाघर में तो बहुत सारे चीज हमको देखने को मिल गया, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पक्षी, और अब सांप। प्रवेश गृह गजब का है दोस्तों, ये अजगर है, इसमें अजगर है। यहाँ पर देखिए ये जो गोल कलर का है, गोल में यही अजगर है, पूरा रस्सी की तरह लिपटा हुआ है। आइए, ये है धामिन रेड स्नैक, बहुत सारे धामिन है देख सकते हैं दोस्तों, एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। यहाँ पर धामिन के बारे में भी लिखा गया है, विशेषताएं क्या है इसकी खासियत, इसमें भी धामिन ही है। इसमें तो अजगर दिख नहीं रहा है, अंदर इसमें भी अजगर ही है। इसमें भी देखिए दोस्तों, गजल लुटा हुआ अजगर है, और एक शायद खरगोश या चूहा, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी है हमको लगता है कि इसी अजगर के लिए है। जब इसको भूख लगती होगी तो शायद उसी को अपना निवाला बनाता होगा। सैंड बोवा स्नैक, ये दो मुहा सांप के नाम से जाना जाता है। तो आइए, हालांकि पीछे है, रोशनी की वजह से दिख नहीं पा रहा है। ये दो मुहा सांप होते हैं, उसी अजगर को खाने के लिए होगा। वाइपर रसेल सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है, और बहुत ही जहरीला होता है ये। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नीचे इसमें कई तरह के रसेल वाइपर हैं। अपना ये केचो भी छोड़ रहा है, जो शरीर में का होता है, इसे पोवा भी बोलते हैं। कई तरह के रसेल वाइपर है इसमें। ये कोबरा भारत में पाए जाने वाला सबसे विषैला सांप, अगर ये किसी को काट ले तो बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें तो
बहुत तरह के उसमें अजगर भी हैं। अजगर है या अनाकोंडा ये तो मेरे लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। हालांकि लिखा कुछ और गया है लेकिन इसमें है कुछ और। बाप रे बाप, बहुत मोटे मोटे सांप है दोस्तों। इसमें भी वही है, बस और कुछ तो है नहीं इसमें, जितना था बस यही था। आइए बाहर चलते हैं। तो चिड़ियाघर में दोस्तों जितनी भी सारी चीजें थी हमने आपको दिखा दी, कुछ चीजें छूट भी गई जो कि हमको पता नहीं था क्योंकि काफी दूर में पूरा फैला हुआ और मेरे लिए पैदल चल पाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए हम हर जगह नहीं जा पाएंगे। सुबह के टाइम ही हम यहाँ पर आए हुए हैं, भीड़ भी नहीं थी। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।